हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे ट्रिक्स जिनकी हेल्प से आप पीरियोडिक टेबल को बहुत ही आसानी से याद कर सकेंगे। यदि आप नीट, एम्स या फिर कोई भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो आपको पीरियोडिक टेबल जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड यदि आपको ये टेबल याद है तो आप वे क्वेश्चन बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इन सभी एलिमेंट्स के क्रम का पता होना चाहिए, यानी कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर आता है। देन आपको इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एस एंड पी ग्रुप। तो पहले हम बात कर लेते हैं एस ग्रुप की, जिसमें कि दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए। इसमें से फर्स्ट ए को कहते हैं अल्काली मेटल्स एंड सेकंड ए को अल्काली अर्थ मेटल्स। तो पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट ए। तो देखिए, इसमें होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो इसे याद करने के लिए आपको याद रखना है लीना करे रब से फरियाद, लीना करे रब से फरियाद। तो ली फॉर लिथियम, ना फॉर सोडियम, करे फॉर पोटेशियम, रब फॉर रुबिडियम, से फॉर सीजियम एंड एफ आर फॉर फरियाद फॉर फ्रांसियम। देन इसके बाद है सेकेंड ए ग्रुप, जिसके लिए ट्रिक है बेटा बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, जिसमें बेटा फोर है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। तो इस तरह से आप इन्हें भी याद रख सकते हैं। देन इसके बाद है पी ग्रुप। तो पी ग्रुप में आपको थर्ड ए ग्रुप में, तो इसे याद करने के लिए ट्रिक है बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। तो देखिए, यहाँ पे बैगन से है बोरॉन, आलू से एल्युमिनियम, गाजर से गैलियम, इन से इंडियम एंड थैला से थैलियम। इसके बाद फोर्थ ए ग्रुप, जिसके लिए ट्रिक है का सी गए संत पंडित। तो काशी गए संत पंडित। तो का फिर का मीन्स है कार्बन, सी मीन्स सिलिकॉन, जे मीन्स जर्मेनियम, संत से टीन एंड पंडित से लेड। इसके बाद फिफ्थ ए ग्रुप या फिर नाइट्रोजन ग्रुप। तो इसके लिए आपको याद रखना है नेहा, प्रीति, ऐश्वर्या, सब, भिखारी। नेहा, प्रीति, ऐश्वर्या, सब, भिखारी। तो एन फोर नाइट्रोजन, प्रीति फोर फॉस्फोरस, ऐश्वर्या फोर आर्सेनिक, सब फॉर एंटीमनी एंड भिखारी फॉर बिस्मत। देन इसके बाद है सिक्स्थ ए ग्रुप, जिसमें है ऑक्सीजन फैमिली। इसके लिए ट्रिक है उस से टीपो। तो उ से ऑक्सीजन, से सल्फर, से सेलेनियम, टी से टेलेरियम एंड पो से पोलोनियम। एंड लास्ट है सेवेंथ ए ग्रुप, जिसके लिए ट्रिक आपको याद रखना है फिर कल बाहर आई आंटी। तो यहाँ पे फिर से फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, बाहर से ब्रोमीन, आई से आयोडीन एंड आंटी से स्टैटिन। तो इस तरह आप एस ग्रुप एंड पी ग्रुप को याद रख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट ए ग्रुप था
लीना करे रब से फरियाद, सेकेंड ए ग्रुप बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, थर्ड ए ग्रुप बैंगन आलू गाजर इन थैला, फोर्थ ए ग्रुप काशी गए संत पंडित, फिफ्थ ए ग्रुप नेहा प्रीति ऐश्वर्या सब भिखारी, सिक्स्थ ए ग्रुप उससे टीपो, एंड सेवन्थ ए ग्रुप फिर कल बाहर आई आंटी। तो अगर आप ये सभी ग्रुप याद रख लेते हैं तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि कई क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, पूछेगा इनमें से रेडियस किसकी ज़्यादा होती है, एटॉमिक रेडियस यानी कि साइज, मेटलिक करेक्टर एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। ये सभी राइट से लेफ्ट जाने पर बढ़ती है, एंड इसका उल्टा यानी कि एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट जाने पर घटेगी, मेटलिक करेक्टर भी घटेगा एंड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बढ़ेगी। तो इस तरह आप इसका पूरा कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरफ जाने पर क्या घटता है और क्या बढ़ता है। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी के ग्रुप डी एंड एफ ग्रुप हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।